तो कैसे हो भाई, उनकी बहनों? तो गाइस दिल थाम के बैठ जाए क्योंकि आज सुबह वही फिर से खेलने जा रहा है ट्रैकर्स ऑफ यूरोप 3। तो गाइस पिछली वीडियो में देखा होगा हम लोग लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे उसमें था कुछ वुड्स प्लैंक थे, मतलब कुछ वुड्स वगैरह, ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह थी। तो अपन लोगों ने उसके भाई पहुँचाया था भाई, और भाई कहाँ से निकल के आया था अपने पहाड़ में से भाई, मतलब पहाड़ के नीचे अपन लोग पहुँचाने गए थे वही एक अपन लोग भाई, बहुत मतलब के पता नहीं उसमें याद, नाम याद नहीं है मुझे, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही खतरनाक टाइप का था। लेकिन अब अपन लोग चीज़ पहुँचाने जा रहे हैं, चीज़ मतलब जानते होंगे आप लोग यार, तो ये रहा चीज़ का भाई, भाई टैंकर्स वगैरह ट्रैकर्स है जो भी है भाई, इसको भाई अपन लोगों को अटैच करना, और भाई इसकी डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाली है क्योंकि अब अपन लोग जा रहे हैं एक नई सिटी में। मतलब अभी तक अपने लोग भाई हर सिटी में जाते हैं ना, तो भाई दो मिशन मिलते हैं, जहाँ से अपने को पहुँचाना होता है फिर लास्ट में लाना होता है, ठीक है। अपन लोग आपको ये अपन लोगों को मिली है नई, तो मतलब नया नई जगह जाना है, ठीक है, तो मज़ा तो आने वाला है। तो गाइस तो भाई अपन लोग ने इसको पहले अटैच कर दिया, और देख सकते हो यार मैं ऑफ रोडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ रोड रोड था भाई, रोड था ही नहीं भाई, रोड बोल ही नहीं सकते। तो भाई मेरी ट्रक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब इतना गंदा हो गया भाई, ऐसा लग रहा है मैं ऑफ रोडिंग करके आया हूँ भाई ट्रक से, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो इसको तो पहले अपन लोग मेरा इंजन वगैरह भी मेंटेन करवाना, क्योंकि भाई मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई है मेरे भाई, मतलब कि पहले इंजन मेंटेन करवाओ, और फिर भाई कार वॉशिंग भी करवाना है, मुझे बहुत कुछ करना है आज। तो भाई वीडियो में बने रहना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर सेलेक्ट कर देना, और जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, बाकी जो करना हो कर देना गाइस। तो पहले तो आप लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन चलने से पहले अपन लोग को देख लेंगे अगर यहाँ पर कोई स्लीपिंग बैग वगैरह हो या फिर मेंटेन करने का कुछ तो सीन है, तो भाई अपन लोग देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेंटेन करना अपन लोग को इंजन, नहीं तो यहाँ पर नहीं होगा तो कहीं और होगा, मतलब जहाँ पे अपन लोग जा रहे हैं। एक मिनट, तो पहले तो स्लीपिंग बेड अपन लोग को दिख गया है, तो स्लीपिंग बेड पर पहले अपन लोग देखते हैं अगर सो मैं अपनी नींद पूरी कर पाता हूँ, क्योंकि भाई निकलने से पहले ही ज़्यादा हो जाता है। एक मिनट भाई, मुझे लगा भाई यहाँ से जाना होगा, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा भाई, ये इसको बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है भाई, लेकिन एक बार मैं ट्राई करूँगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई मतलब ट्रक हो ना, सिर्फ ट्रक हो ना तो उसको आराम से तुम कर लोगे, पीछे टैंकर हो मतलब समझ सकते हो यार, बहुत ज़्यादा भाई, मतलब एक कंटेनर टाइप का हो, देख लो इतना बड़ा, जिसको हैवी बोल सकते हैं, इतना हैवी हो, लोड हो उसमें भाई, मतलब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई इसको कंट्रोल करना भाई। लेकिन तुम्हारा भाई ट्राई कर रहा है, हो सकता है मैं अंदर पहुंच जाऊं तो भाई इसको ऊपर मतलब इसको स्लीपिंग मतलब कर लूँगा, वरना तो इसको डिटैच करना पड़ेगा भाई, इसको हटाना पड़ेगा टैंकर को, इतना झाड़ कौन करेगा, फिर इसको लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, इसको लगाना मैं तो भाई लगाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई लगाना, इतना थोड़ा बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल आसान नहीं है भाई टैंकर को मतलब लगाना भाई, अटैच करना भाई, सबसे बढ़िया लगता है इसको। चलो भाई मैं आ तो गया, चढ़ तो गया इस पर, हम बस मुझे आराम से चलना है, और स्लीपिंग बेड पे जाके लगा देना इसको भाई, कितना बड़ा ट्रक लग रहा है भाई ये, देख सकते हो यार। एक बार इंजन स्टॉप करना पड़ेगा, रुको पहले इंजन स्टॉप करूँ मैं। ओके इंजन कहाँ गया, स्टॉप इंजन यू स्टार्ट। ओके भाई देखते हैं कितने घंटे ही अपने लोग सो पाते हैं, लेकिन भाई एक मिनट सिस्टम क्या है। ओके गाइस तो अपन लोग सो कर थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा ही बहुत नींद करनी थी, और बाकी मैंने थोड़ा बहुत मतलब सो कर मैं भाई आ गया मेंटेन करवाने, भाई इसको भी ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा मुझे, लेकिन अभी मैं हूँ जहाँ वहाँ से मतलब जहाँ से अपन लोगों ने टैंकर को लिया था वहीं पर हूँ, उसी एरिया में हूँ, लेकिन बस मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था भाई। तो पहले तो मुझे यहाँ पे मतलब मेंटेन करना अपना इंजन, देख रहा हूँ स्टॉप इंजन टू रिपेयर, भाई रिपेयर कर मांग रहा भाई, इतना गंदा मैंने वो बहुत ज़्यादा भाई वो मिशन मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा भाई, मतलब सच में भाई इतने नीचे को था वो डाउन, उसमें रोड वगैरह भी नहीं, देख रहा मेंटेन हो रहा भाई, भाई जल्दी जल्दी मेंटेन हो जाए बस। चलो भाई मेंटेन कंप्लीट हो गया है। ओके यहाँ पे मैं वॉश वगैरह करवा सकता हूँ अपना, लेकिन देखते हैं अभी लोग करवा लूँ नहीं करवाऊँ, वरना तो मेरा भाई करवा ले रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे ट्रक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इंजन तो मैंने मेंटेन करवा दिया है, बाकी मैं इसको एक वॉश करवा दूँ, ठीक है। ओके चल भाई वॉश हो जा तू, अब यार डिटैक करना इसको, मुझे हटाना पड़ेगा कंटेनर को भाई, इसको हटा दिया। ओके गाइस तो मैंने उसको हटा दिया है, अब मैं भाई एक प्लेन सा भाई, तू भाई कितना छोटा सा लग रहा है मेरा ट्रक यार, इसको चलो भाई 100% हो जाए बस 100%। ओके भाई हो गया 100%, इसको बॉस पर क्लीनिंग पे छोड़ देते हैं। ओ भाई लो क्लीन हो रहा है अपना भाई, अभी तक अपन लोगों ने क्लीन करवाया भी नहीं था भाई, मतलब जब तक भाई क्लीन जब करवाया जाएगा ना, जब गंदा होगा भाई, भाई गंदा था ही नहीं, अब जब से जो ऑफ रोडिंग की है भाई अपन लोगों पहाड़ वाले एरिया में गए हैं भाई, मतलब अपने लोग के ऐल लग गए थे भाई, इतना मुश्किल था उसको चलाना भाई बहुत ज़्यादा। ओ भाई अब भी तो ट्रक लग रहा है कि हाँ मेरा ट्रक है भाई, इतना गंदा हो गया हो रखा था बहुत ज़्यादा भाई। चलो भाई अच्छे से सफाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पैसे बहुत लेते हैं यूरो, सॉरी पैसे नहीं जाते यूरो जाते हैं भाई,
खैर जितने भी जाएंगे दे देंगे यार, बाद में कोई दिक्कत नहीं। खैर अपने लोग दे दे रहे हैं इनको जितना भी बना, ठीक है। ओके गाइस, क्या लग रहा भाई, अब भी तो भाई साइनिंग मार रहा है मेरा ट्रक, भाई चमक रहा है, देख सकते हो यार क्या लग रहा है भाई। चलो अब जल्दी से चलते हैं भाई अपने ट्रक को, मैंने बहुत दूर ट्रक को छोड़ के आया, और जो ट्रैफिक लगा है ना ये सिर्फ मेरी वजह से लगा है, क्योंकि मैंने बीच रोड पे देख रहे हो सामने बिल्कुल वो लगा दिया है अपना टैंकर। ओके गाइस, तो मैंने अटैच करके भाई मैं चल दिया हूँ अपनी अब डेस्टिनेशन। अब कुछ नहीं करना अपन लोगों को, देखो स्लीपिंग बैग मिल गया, सो लिए अपने, ठीक है, एक दो घंटे मतलब 6 घंटे का सो लिए अपने घंटे, ठीक है। सोने के बाद अपन लोगों को अब कुछ करना है नहीं, रात है तो रात में भाई अपन लोग दिन का सो लिए तो दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी नहीं अपन लोगों को, ठीक है। लेकिन भाई अभी तो मैं मतलब भाई रात कुछ ज़्यादा नहीं हो रही मुझे लग रहा है भाई, कुछ मौसम भी ख़राब है, देख सकते हो यार मैं मतलब वाइपर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब समझ सकते हो यार बारिश हो रही, देख रहा हूँ भाई क्या है भाई एकदम बिजली वगैरह भाई देख रहे हो गिर रही है, मतलब खतरनाक बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको। ओके चलो भाई, यहाँ पर लोग निकल चुके हैं डेस्टिनेशन पे अपन लोग की, भाई फाइनल जो भी होगा। तो भाई स्लीपिंग बैग मिल गया, अपन लोग सो लिए, बाकी अपन लोगों को फ्यूल और डलवाना है बस, फिर अपन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। इंजन मेंटेन करवा लिया और ट्रक को वॉश करवा लिया, सब कुछ करवा दिया, ऑल डन हो बिल्कुल, मतलब अपन लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस अपन लोग यहाँ से निकल जाएं बस बहुत है। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ मेन हाईवे पर, मतलब बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हाईवे पर आ गया हूँ, और अभी तक भाई मुझे एक भी फ्यूल स्टेशन नहीं मिला, लेकिन मुझे अभी भाई यहाँ पर देख सकते हो फ्यूल स्टेशन मिल चुका है। मतलब थोड़े बहुत मेरी टेंशन थी जो कि फ्यूल मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो अब टेंशन भी ख़त्म। तो भाई इसको पहले लाइन पे, भाई लाइन लग रही है यहाँ पर, तो देख सकते हो यार क्या लंबी लाइन लगी है भाई गाड़ियों की, देख रहे हो भाई। चलो कोई भी, हम भी लाइन में लगना है भाई, क्योंकि हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि भाई हमारे पास फ्यूल नहीं है, और फ्यूल के चक्कर में भाई बहुत महंगा पड़ जाता है। उस बार में जहाँ अपने पहाड़ों वाले एरिया में गए थे ना, उसमें अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता तो बहुत ज़्यादा गंदा सीन होता अपने साथ। तो भाई बहुत टाइम लगा रहा है इतनी देर में फ्यूल डलवाए, तो भाई फ्यूल भी अपने आप डालना पड़ता है, तो भाई मतलब समझ लो टाइम तो लगेगा भाई। ओके भाई चल तू, कोई नहीं बेटा, और भी तो खाली हैं इधर, मतलब दूसरी साइड में चले जाओ ना, ये लोग मतलब भाई पूरे वो हैं, मतलब एक ही साइड में डलवाना है इन लोगों को। भाई क्या ट्रक लग रहा है मेरा भाई, चल 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 भाई, मैं थोड़ी सी मुझे जगह दे दो बस मैं, भाई साहब क्या ट्रक लग रहा है अपना रात में, अब दिन में होता ना भाई यही तगड़ा लगता भाई, एक का थंबनेल तो अपने लोग ऐसे ही निकाल देते, कोई बात नहीं ऐसे ही निकाल देंगे अपन लोग थंबनेल। भाई क्या लग रहा है एकदम, मतलब भाई लाइट यूज़ गया, चल कोई बात नहीं अब, वो भाई ये खाली है तो मैं चला जा रहा हूँ, रहने दो तुम लोग भाई, मतलब पूरे लाइन बना के चल लो भाई, लाइन क्यों चल लो, खैर एक मिनट भाई मेरा कहाँ गया, एक मिनट, ओके ओके चल भाई मैं चलता हूँ पहले फ्यूल डलवा लूँ उसके बाद देखता हूँ। अबे यार जो इतना लेट लगा रहा है, एक मिनट मैं इधर ही चला जा रहा हूँ, मुझे लगा मैं इधर से चला जाऊँगा कुछ ज़्यादा ही वो पड़ेगा। ओके चलो बीच में मैं घुस जा रहा हूँ। ओके भाई चल भाई आ जा भाई, कितना डालेगा फ्यूल, कर दे भाई फ्यूल फुल कर दे भाई मेरे तो भाई। ओके भाई कितना देखते हैं, क्या फिल करते हैं फ्यूल, मतलब बहुत कम था अपने लोगों को, फुल ही करवाता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि भाई मेरा भाई जो ट्रिप होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं भाई, कई दिन लगते हैं मुझे आने जाने में, और भाई कभी कभी सीन ऐसा होता है कि अपन लोगों को फ्यूल मिलता ही नहीं है भाई, तो इसलिए भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता फ्यूल का, जहाँ फ्यूल मिलेगा भाई तो भाई तुरंत ले लेना है मुझे। ऑफ स्लीपिंग बैड, अगर स्लीपिंग दिख रहा है बैड मतलब, तो भाई तुरंत सो लो, देख लो यहाँ पर। अबे भाई पिछली बार क्या सीन हुआ था ना फ्यूल स्टेशन पर, भाई स्लीपिंग बैड ही नहीं था, नहीं स्लीपिंग बैड था लेकिन फ्यूल स्टेशन ही नहीं मिल रहा था भाई, तो भाई मैं रुकने की कोशिश कर रहा था तो बहुत सीन गंदे हो गए थे भाई पिछले वाले गेम में, तो भाई मिशन में, तो भाई वो गलतियां मैं जो पहले मेरे साथ जो गलतियां हो रखी थी ना, वो मैं दोबारा गलतियां नहीं करना चाहता भाई। अब तो मैं भाई आराम से चिल होकर अब चलने वाला, अब कोई टेंशन नहीं अपन लोग के पास, ठीक है। अब देख रहो अब डायरेक्ट हाईवे है, मतलब अपन लोग को टॉप स्पीड में चलना, और भाई इसकी टॉप स्पीड भाई मैंने देखी थी भाई 136, भाई साहब एक ट्रक की इतनी मतलब टॉप स्पीड ये होगी भाई, मैंने कुछ सोचा नहीं था भाई इतनी हो सकती है, क्योंकि अब तक जो मैंने ट्रक चलाए थे वो भाई बस 80 तक जा सकते थे भाई, लेकिन ये ट्रक भाई कुछ एडवांस है भाई, तगड़ा जा रहा था स्पीड इसकी। खैर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे लेफ्ट साइड में भाई, नहीं अभी तो सीधे चलते रहना अपन लोगों को, मैं समझा लेफ्ट साइड में जाना है, हाँ भाई लेफ्ट साइड में ही जाना है भाई, ओके ओके लेफ्ट साइड में जाना है, चलो भाई। अबे नहीं 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 अपन लोगों को लेफ्ट साइड में नहीं जाना था, वही गलती कर दी भाई, मुझे उसके सीधे ही चलना था भाई, एक मिनट भाई 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 सीन हो गया, रुको मुझे टर्न करना पड़ेगा, यू टर्न मारना पड़ेगा भाई भाई, नहीं 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 कोई ट्रक ना होना चाहिए, वरना तो भाई सीन हो जाएगा पीछे। वो भाई ट्रक है लेकिन अपन लोग के, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, तू जा आराम से जा भाई, मैं यार गलत मैं मतलब भाई मैंने मैप नहीं देख पाया, मुझे लगा भाई मुझे इस पर मतलब लेफ्ट साइड में, वो सॉरी राइट साइड में जाना है भाई,
चलो कोई नहीं कोई नहीं, अपन लोग को भाई ये तो अच्छा हुआ अच्छे टाइम पे मैंने देख लिया, वरना तो हाईवे पर जाकर मैं अगर यू टर्न मारता ना तो भाई सीन हो सकता था मेरा। खैर चलो भाई कोई नहीं, अपनों को सीधे ही चलना था भाई, मैं गलत रास्ते पर चला गया। मतलब अपन लोगों को ऊपर वाले हाईवे पर जा, नहीं नहीं ऊपर वाला जाना है नीचे, मुझे ऊपर वाले हाईवे पर जाना ही नहीं था भाई, नहीं मुझे कहीं और से किसी और दूसरे हाईवे से मुझे अटैच होना है, मतलब तभी मैं पहुंच पाऊंगा अपनी डेस्टिनेशन पे भाई। अभी सीन हो जाता, अपन लोग कहीं के मारे कहीं और पहुंचते भाई, दूसरे सिटी में पहुंच जाते भाई, मिशन ही नहीं हो पाता भाई कंप्लीट, कभी ऐसे ही घूमते रहते हैं अपन लोग। चलो भाई कोई नहीं, ओके भाई दूसरे वाले हाईवे पर अपन लोगों को अटैच होना है, फिर वहाँ पर देखते हैं भाई क्या सीन होता है। मुझे तो नहीं लगता, अभी तो बहुत दूर है। तो भाई ये सुबह क्यों नहीं होना चाहती भाई, मतलब ऐसा बोलना चाहिए मैं बोलूँ गाइस गुड मॉर्निंग तो सुबह हो चुकी है भाई, हो ही नहीं रही भाई सुबह, इतना टाइम हो गया भाई, कितने घंटों से भाई मैं चला जा रहा हूँ ट्रक को, सॉरी हाँ घंटों से ही चला रहा हूँ भाई। ओके मुझे ऊपर वाले दूसरे वाले हाईवे पर अटैच होना था, मैं दूसरे वाले पर जा रहा था। ओके गाइस देख सकते हो यार क्या ट्रक लग रहा है अपना भाई, एकदम भाई न्यू लग रहा है भाई, एकदम से भाई नज़र ना लग जाए भाई मेरी इसको भाई साहब क्या लग रहा है एकदम। लेकिन भाई मज़ा तब आता ना जब अपन लोग दिन में करते यही मिशन भाई, तो अलग ही सीन होता। ओके गाइस तो मैं आ चुका हूँ, नहीं नहीं मैं तो आ ही नहीं चुका हूँ, मैं तो ओके 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 आ गया आ गया आ गया। मुझे अब सच में लेफ्ट में मुड़ना था भाई, मैं अब सीधे जा रहा था भाई, मतलब जब लेफ्ट में मुड़ना था तो भाई मुड़ा नहीं मैं, नहीं मुड़ तो गया लेकिन थोड़ा मुझे लगा सीधे जाना है। ओके गाइस अब देखते हैं अपन लोग कौन से भाई, मुझे लगता है अब नीचे आ रहे हैं। तो भाई हाईवे से जब नीचे उतरना होता है तो मतलब समझ जाओ तुम्हारी डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करीब है, ऐसा मुझे लगता है, नहीं लगता नहीं है ही मतलब भाई, क्योंकि हाईवे से जब अपन लोग नीचे उतरते तो अपन लोग एक लोकल एरिया में हो जाते हैं, मतलब एक लोकल एरिया के रोड में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई। तो मतलब समझ जाओ कि भाई अपन लोग की डेस्टिनेशन जो है, जो मतलब अपन लोग को जहाँ पहुँचना है तो भाई बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर तो रोड और लाइट्स वगैरह भी दिख रही, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अपन लोग थोड़ी दूर तो होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 40 से 50 किलोमीटर तो दूर होगा अभी वो। ओ भाई लाइट्स वगैरह मतलब किसी, नहीं अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है मुझे ऐसा कि भाई हो सकता है यही रोड हो जो अपने मतलब वो करे, मतलब जो अपनी डेस्टिनेशन है सिटी में या फिर कोई और सिटी होगी भाई मुझे लग रहा है, क्योंकि चीज़ पहुँचाना है, चीज़ का वो है ना ये टैंकर, तो इसमें चीज़ वगैरह रखी हुई है, तो भाई मतलब कुछ सिटी वगैरह में जाएगी या किसी फैक्ट्री वगैरह में, मतलब कहीं भी जाए आप लोगों को इससे मतलब नहीं है भाई। ओ भाई वुड क्या है भाई, लकड़ियाँ लग रही हैं कि मुझे पता नहीं लकड़ियाँ क्या है जो भी है। ओके गाइस भाई मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है मैं सिटी में आ चुका हूँ क्या सच में क्या भाई, अगर आ गया तो गाइस बहुत ही भाई मज़ा आने वाला है, देखते भाई कैसी नई सिटी है भाई, अपन लोगों को कहाँ पर जाना है, अगले मिशन अपन लोग क्या ले सकते हैं या फिर क्या हो सकता है। ओके भाई आते ही आते भाई फ्यूल स्टेशन देख गया भाई, मतलब स्लीपिंग बैड का मैटर ख़त्म और साथ में फ्यूल का भी मैटर ख़त्म। चलो भाई फ्यूल का और स्लीपिंग बैड का ख़त्म मैटर, बाकी आप लोग जब वहाँ से निकलेंगे इस एरिया से तो भाई दोनों चीज़ें लेकर निकलेंगे, स्लीपिंग बैड अपने सोकर निकलेंगे ठीक है, उसके बाद भाई फ्यूल भी डलवा लेंगे, क्योंकि फ्यूल भी थोड़ा बहुत अपने लोग का नहीं नहीं अपनी ओपी अभी ओपी अपना कितना है 18% है, तो बहुत है 80% यार, क्या 20% तो खर्च हुआ है, कोई नहीं देख लेंगे। ओके भाई यहाँ पर देख सकते हो भाई सिटी में आकर भाई अलग ही देख रहे हो, ट्रक वगैरह दिख रहे हैं भाई, ठोकियो मत प्लीज़ भी, नहीं 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 भाई ऐसे ब्रेक कौन मारता है भाई अचानक से भाई, गंदा ठोक दिया मैंने। चल भाई जल्दी आगे बढ़ा भाई, तो डैमेज भाई जो मेरा नुकसान होता है ना वो ऐसे ही नुकसान होता है ये डैमेज वगैरह भाई, जिससे इंजन मेरा भाई मेंटेन मुझे करवाना पड़ता है, बॉडी वगैरह मेंटेन सभी होता है ना, तो उसमें भाई बहुत खर्चा लगता है यार। भाई जल्दी जल्दी बढ़ा ले, अबे ये क्या है, वह पीछे मुड़ पीछे चली गई होगी, मैं आगे ज़्यादा निकल गया ना, मैं समझा भाई एकदम से गायब कैसे हो गए भाई। ओके भाई बहुत बंदे रोड है यार, मैं आगे जाता हूँ भाई यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो देख लिया जाएगा कोई सामने से। ओके गाइस यहाँ पर पिछली बार की याद है ना, बहुत गंदे अपन लोग का ट्रक पलट गया था भाई, तो यहाँ पर वो गलती नहीं करना है, आराम से लेना है भाई, आराम से कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलना है भाई, आराम से कोई आराम से भाई ऊपर चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आराम से चढ़ना है। ओके स्लीपिंग बैड ये रहा, अबे नहीं अपने यहाँ से तो आए थे पिछली बार भाई, अबे इसी एरिया से तो मैं निकला था शायद, मुझे याद है भाई, लेकिन नहीं नहीं अब अपन लोग को आगे वाली फैक्ट्री में पहुँचाना है, मतलब दो ही फैक्ट्री है क्या, मुझे समझ में नहीं आया भाई, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है अपन लोग यहीं से तो भाई वो मिसर मतलब वो वाला लेकर गए थे टैंकर, किसका टैंकर था भाई अपन लोग अभी जो लेकर गए थे, वुड वगैरह का था ना वो, यही नहीं हाँ वही वुड वगैरह का भाई यहीं से लेकर गए थे अपन लोग, और फिर से यहीं आ गए। खैर इसको अपने लोग रखते हैं। ओके गाइस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है हमारा मिशन, हम आ चुके हैं भाई चीज़ को पहुँचा गया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू।
She know me, she don't know me. And it's ain't right.